लगातार जमीनों पर कब्जा बढ़ रहा है और गरीब परेशान है। अपनी जमीन को लेकर वो शिकायत करता है अधिकारी कर्मचारियों से, शासन प्रशासन से, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आखिरकार थक हार के वो सड़क पर आ जाता है। कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला आज, जब इमझरा के ग्रामीण अपनी जमीन के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आखिरकार उन्होंने सड़क पर आकर चक्का जाम कर दिया। आखिर क्या है पूरा मामला, देखते हैं, सुनिए। लगातार आक्रोश बढ़ रहा है, सुनवाई नहीं होने से गरीब परेशान है। दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद वो जब थक हार जाता है तो वो सड़क का सहारा लेता है। कुछ ऐसा ही ये मामला है इमझरा गांव के इस परिवार का, जिन्होंने अपनी शिकायत की, पर शिकायत का निराकरण नहीं होने की स्थिति में आज वो हनुमान चौरा पे अपने पूरे परिवार के साथ बैठ गया और जाम लगा दिया। परिवार का कहना था कि उनकी जमीन पर एक परिवार द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है। कई जगह शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं। आखिरकार थक हार के उनको ये कदम उठाना पड़ा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर न्याय कहाँ मिलेगा इन गरीबों को? क्या शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं होती? तो ये इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे अब, क्योंकि लोग लगातार आक्रोशित होकर सड़कों पे आ रहे हैं, कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे पूरा माहौल गर्माहट जाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी इस पर सवाल उठता है। लगातार प्रशासन ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए हर मंगलवार को जनसुनवाई कार्यक्रम करता है, लेकिन फिर भी इस तरह के मामले क्यों सामने आते? क्या अधिकारी कर्मचारी सिर्फ ऐसे कार्यक्रमों में अपनी इतिश्री करते हैं जो गरीबों को न्याय नहीं मिलता? अगर वो न्यायालय जाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी चक्कर लगाते लगाते खिंच जाती है, तब कहीं न्याय मिल पाता है। वो भी पूरी संभावना नहीं हो पाती कि न्याय मिलेगा, जबकि पूरे बर्बाद हो जाते हैं। आखिरकार अब ये लोग क्या करें? धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है और इसी परेशानी को देखते हुए लोग अब इस तरह के कदम उठा रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? क्यों जीत रहे हैं? हमने नहीं जो जबरदस्ती जो दी है, हमसे पूछी भी नहीं है। क्या कहीं तो मैं पैसे दे रहा हूँ आजकल में आज तक नहीं गए, एक साल हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सा नाम होता है? थाना कौन सा लगता है? कैंट लगता है, कैंट उसी का थाना है। कोई सुनवाई नहीं हमारी, हमारी जन थाने में आए थे तो वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। कौन सी आई काली व्यक्ति आई है, उसने ये कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हुई जाएगी आपको जहाँ से। मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।